Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss another update from Topper Stop. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर टॉपर स्टॉप चैनल पर। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 की, जिसमें हम इस प्रश्नावली से संबंधित ऐसे मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे जिससे आप आसानी से इस प्रश्नावली को कर सकें। आइए जानते हैं सबसे पहले हम समान और असमान भिन्न के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम समान भिन्नों को जानते हैं। तो समान भिन्न ऐसी भिन्नों को कहते हैं जिसके हर समान हो और अंश अलग अलग हो। देखिए, यहाँ मैंने कुछ यहाँ एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सबके हर देखिए एक जैसे हैं और इनके अंश जो है वो अलग अलग हैं। यानी इस तरह की भिन्न जिनके हर एक जैसे हों और अंश अलग अलग हों वो समान भिन्नें कहलाती हैं। आइए अब असमान भिन्नों की बात करें। तो ऐसी भिन्नें जिनके हर अलग अलग हों और अंश एक जैसे हों, ऐसी भिन्नें असमान भिन्नें कहलाती हैं। यहाँ बच्चों देखिए, स्क्रीन पर दो भिन्नें मैंने आपके लिए उदाहरण के तौर पर रखी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के हर अलग अलग हैं। एक का 27 है तो दूसरी का 28 है, लेकिन यहाँ पर देखने पर अंश जो है दोनों के समान हैं। तो यानी जिनके हर अलग हैं और अंश जो है वो समान होंगे वो हमारी असमान भिन्नें कहलाएंगी। अंग्रेजी में इसे अनलाइक फ्रैक्शन भी कहते हैं। आइए बच्चों अब कुछ और पॉइंटों के बारे में जानें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं। दो भिन्नें आपको दी गई हैं, अगर दो समान भिन्नें हैं तो उनकी तुलना हम कैसे करेंगे, और अगर दो असमान भिन्नें हैं तो उनकी तुलना हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि समान भिन्नों की तुलना हम कैसे करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो भिन्नें आपको यहाँ दी है, जिसमें देखो एक है 3/8 और दूसरी है 5/8। तो ये दोनों भिन्नें आपको यहाँ पर देखिए चित्र के तौर पर मैंने समझाने के लिए यहाँ दो चित्र भी रखे हैं। तो देखिए, ये आपकी 3/8 है। 8 मतलब आपको पता ही है कि जो डिनोमिनेटर यानी हर आपका कुल पार्ट होंगे, यानी इस एक आकृति के जितने कुल पार्ट किए गए हैं, कुल भाग किए गए हैं, वो आपके नीचे हर में आता है। कुल 8 पार्ट है, तो देखिए यहाँ पर 8 भागों में इस आकृति को यहाँ पर बांटा गया है। उसके अलावा 3 भाग को शेडेड किया है, तो देखिए आप यहाँ पर 3 भाग जो है वो शेडेड है। उसके अलावा दूसरी आकृति की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसे भी 8 भागों में विभक्त किया गया है और 5 इसमें से भाग जो है वो लिए गए हैं। अब आपको इस आकृति से देखने पर ही पता चलेगा कि यहाँ पर जो लिया गया भाग है वो कौन सा ज़्यादा है। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि 5/8 जो भाग है वो ज़्यादा है 3/8 से। यानी बच्चों, जहाँ पर समान भिन्नें होंगी वहाँ पर अंशों से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, क्योंकि हर तो आपके समान है लेकिन अंश से पता चल जाएगा आपको कौन सी भिन्न यहाँ पर बड़ी है। तो इस तरह से दो समान भिन्नों की आप तुलना कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमने दो समान भिन्नों की तुलना की। अब हम यहाँ पर असमान भिन्नों की तुलना यहाँ करेंगे। तो आइए देखें, ये देखिए बच्चों, पहली आकृति को मैंने यहाँ पर 3 भागों में विभक्त किया है, यानी हमारे भर जो है वो 3 है यहाँ पर, और दूसरी आकृति में यहाँ पर हर जो है वो 5 है। यहाँ देखिए बच्चों, देखने वाली बात ये है कि दोनों में जो अंश हैं वो एक जैसे हैं और हर दोनों में अलग अलग है। यानी कुल पार्ट जो किए गए हैं वो अलग हैं, जिनमें से एक पार्ट को हमने लिया है। अब पहली आकृति में देखिए आप, 3 भाग हैं, देखिए ये 3 भाग हैं, यहाँ पर ये 5 भाग हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम 1/5 भाग जो है वो छोटा दिखाई देगा 1/3 भाग से। यहाँ पर जो देखेंगे हम, पहला भाग है 3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी 3 में इसे तोड़ा है, तो ये आपका बड़ा भाग बना है, और दूसरा आपका 5 में विभक्त किया है तो ये छोटा भाग बना है। इसे देखकर आप हर को देखेंगे यहाँ पर बच्चों हम, और हर को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा भाग यहाँ पर बड़ा है और कौन सा छोटा है,
क्योंकि पांच भाग अगर किए गए हैं तो आपको डेफिनेटली ये पता चल जाएगा कि पांच भाग जो है वो तीन भागों से छोटे छोटे भाग जो है वो बनाए गए होंगे, जबकि तीन भाग जो है वो थोड़ा उससे बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 1/3 जो भाग है वो बड़ा है 1/5 से। तो बच्चों इस तरह से आकृति के द्वारा आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आकृतियाँ नहीं दी गई हैं तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए भी आपको मैंने बताया कि जहाँ दो समान भिन्न हैं वहाँ पर हम अंश को देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, क्योंकि हर उसमें समान होते हैं। दूसरी असमान भिन्नों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम हर को देखेंगे, हर जितना छोटा होगा आपका भाग उतना ही बड़ा होगा, यानी वो संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर हर छोटा होगा तो संख्या जो है वो भिन्न जो है वो बड़ी होगी। आइए बच्चों अब हम एक उदाहरण से यहाँ पर समझेंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी उससे बड़ी है, यानी हम इसे एक आरोही क्रम में भी व्यवस्थित जो है यहाँ पर करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ भिन्नें आपको दी गई हैं, तो इस भिन्नों में अगर आप देखें तो सबके अंश एक जैसे हैं लेकिन सबके हर जो है वो अलग अलग हैं। मैंने यहाँ पर बोला था आपको कि अंश जिसके एक समान होंगे और हर अलग होंगे वो कैसी भिन्नें होंगी बच्चों? वो जाहिर सी बात है कि वो असमान भिन्नें होंगी, यहाँ देखने से ही पता चल जाएगा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने बात की थी कि हम जब असमान भिन्नों को लेते हैं तो उसकी तुलना करते समय हमारे जो नीचे हर जितना बड़ा होगा हमारी भिन्न जो है उतनी ही छोटी होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा हर किसका है, यानी 13 जो है वो सबसे बड़ा है। तो जहाँ सबसे बड़ा हर होगा वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ देखिए 13 सबसे बड़ा है, तो सब 13 जो है सबसे छोटी संख्या है। अब उससे छोटा आप देख सकते हैं ये 9 है, तो उसके बाद आप 9 को ले सकते हैं। उसके बाद देखिए 7 है, उसके बाद 5 और फिर लास्ट में 1। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर संख्या को व्यवस्थित क्रम में यानी आरोही क्रम में जो है वो लगा सकते हैं। बहुत आसानी से बच्चों हम इस चीज़ का पता कर सकते हैं क्योंकि हर से हमें इस बात का पता चल जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो छोटी है। तो आइए एक और एग्जांपल के ज़रिए हम पता करते हैं कि 7.4 में और किस तरह के प्रश्न हैं। तो एग्जांपल 2 में यानी उदाहरण 2 में हम बात करते हैं दो भिन्नों की तुलना करके। यहाँ पर देखिए बच्चों एक भिन्न है 5/6 और दूसरी भिन्न है 13/15। इन दोनों की तुलना करते हैं और देखते हैं कि हम इसे इसमें से कौन सी जो भिन्न है वो बड़ी है। तो सबसे पहले हम 5/6 को हम देखिए किस तरह से पता करेंगे। 5/6 को हम लेंगे और 13/15 को लेंगे, दोनों के हरों की तरफ चलते हैं। इसका हर 15 है तो इसका हर कितना है? 6 है। दोनों 6 और 15 का यहाँ पर हम लसा ज्ञात करेंगे बच्चों। लसा ज्ञात करना मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, दोनों संख्याओं को हम इकट्ठा लेकर इसका लसा जो है वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। पहले देखिए इस तरह से हम 2 को यहाँ पर करेंगे, 15 लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम 3 से करके यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको 5 से करेंगे, 5 से करके हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। इस तरह से हमारे जो लसा बना वो 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30। यहाँ पर लसा हमारा आया कितना? 30। आपको लसा ज्ञात करने के लिए हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने लसा के बारे में बात की थी और ज्ञात करना सीखा था वो आप देख सकते हैं। आइए हम लसा 30 आ गया हमारा यहाँ पर, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? देखिए पहला जो हर है हमारा वो है 6। तो इस हर में हम ऐसी संख्या के साथ गुणा करेंगे जिससे हमारा उत्तर कितना आए? 30 आए। तो हम 6 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 30 आएगा। अब बच्चों हमने हर के साथ 5 की गुणा की, लेकिन केवल हर के साथ ही नहीं करनी है, हमें दोनों के साथ इसकी 5 की गुणा जो है वो करनी पड़ेगी। यानी जो काम हम हर के साथ करेंगे वही अंश के साथ भी यहाँ पर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 के साथ 5 की गुणा की तो 30 आया। सेम 5 की गुणा हमारी ऊपर अंश के साथ भी होगी, तो 5 की गुणा हमने 5 से की तो हमारा उत्तर आया 25।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम दूसरी, ये आपकी एक भिन्न है, इसके साथ भी हम क्या करेंगे, 15 को किससे गुणा करें कि हमारा 30 यानी लासा के बराबर उत्तर आए। तो 15 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 उत्तर आएगा। उसके बाद हर के साथ हमने 2 से गुणा की तो हमें अंश के साथ भी 2 से गुणा करनी होगी। तो हमने यहाँ 13 के साथ भी 2 की गुणा जो है वो की, तो 13 दूनी 26 हमारा यहाँ पर उत्तर आया। मतलब हमारे पास पहली और दूसरी संख्या दोनों हमारी भिन्न हमें यहाँ पर मिल गई हैं, लेकिन जिनके जिनके हर जो है वो समान है, अंश जो है वो अलग है। ये दोनों एक लाइक फ्रैक्शन यानी समान भिन्न हमें यहाँ मिल गई हैं। समान भिन्नों को अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए दोनों में 30 है और ऊपर हमारा एक में 26 है और एक में 25 है। तो 26 और 25 में से बड़ी भिन्न कौन सी हुई, 26/30। इस तरह से हम यहाँ पर 13/15 को बड़ी भिन्न कह सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की, अगले उदाहरण की, जिसमें हम भिन्नों को, तुल्य भिन्नों को निकालना सीखेंगे। यहाँ तीसरे उदाहरण में हम तुल्य भिन्न को कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और जानेंगे कि अगर एक भिन्न दी गई है तो उससे अगली तुल्य भिन्न क्या होगी। इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके 7.4 में है, जिनको आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही सॉल्व कर सकते हैं। आइए जाने, सबसे पहले देखिए 4/5 आपको ये संख्या दी गई है और दूसरी भिन्न आपको यहाँ पर 5/6 दी है। अब इन दोनों भिन्नों की तुल्य भिन्न आपको निकालनी है। पहले देखिए हम 4/5 को लेते हैं। 4/5 की तुल्य भिन्न क्या होगी, देखिए इसको निकालने के लिए हमने 4 को पहले 1 से गुणा किया। अब जो अंश के साथ किया है वही हर के साथ भी करना पड़ेगा, यानी 5 की गुणा भी हमने किससे की, 1 से की। तो हमारा उत्तर क्या आया, 4/5, क्योंकि 4 एकम 4 और 5 एकम 5, ये पहली भिन्न बनी। दूसरी भिन्न में हम अगले, जहाँ हमने 1 से गुणा की थी, यहाँ अगली भिन्न के लिए हम इसे 2 से गुणा यहाँ पर करेंगे। यानी अंश के हम 4 को हम 2 से गुणा करेंगे और साथ में 5 को भी हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो इस तरह से हमारी जो अगली भिन्न आई वो 4 दुनी 8 और 5 दुनी 10, ये हमारी दूसरी भिन्न आई जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरी भिन्न की बात करें तो हमने जैसे 1 का निकाला था, दूसरी भिन्न निकाली थी, तीसरी भिन्न के लिए हम 4 को 3 से गुणा करेंगे, साथ ही हर को भी हम किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा उत्तर आया 4 तिया 12 और 5 तिया 15, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगली भिन्न के लिए हम 3 से 3 की जगह किससे गुणा करेंगे बच्चों, हाँ बिल्कुल ठीक, हम यहाँ पर 4 की 4 से गुणा करेंगे और अगले हर की भी हम इसी 4 के साथ ही गुणा करेंगे। 4 चौक 16 और 5 चौक 20, देखिए इस तरह से हम कितनी ही भिन्न यहाँ पर आगे जो है वो निकाल सकते हैं। पहले पहली भिन्न चाहिए तो 1 से, दूसरी भिन्न चाहिए 2 से, तीसरी भिन्न 3 से, चौथी भिन्न 4 से, इसी तरह पांचवी भिन्न निकालनी है तो वो 5 से गुणा करेंगे, छठी भिन्न के लिए 6 से, सातवीं भिन्न के लिए 7 से। इस तरह से गुणा करते हुए हम अगली कई भिन्नों को निकाल सकते हैं। सेम दूसरी वैल्यू के साथ यानी दूसरी भिन्न के साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। 5/6 हमें दिया है तो ये 5/6 आपका, 5/6 में हम किससे गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो हमारा सेम वही संख्या आएगी जो कि दोनों के साथ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 5/6 आई। दूसरी भिन्न निकालने के लिए 5 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे और 6 को भी हम 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 5 दुनी 10 आया और 6 दुनी 12। इस तरह से देखिए यहाँ पर दूसरी भिन्न को निकाला गया है। इस तरह से देखिए 5 पंजे 25, ये ऊपर आपका 25 आया और नीचे आपका 30 आया। इस तरह से देखिए 25 और 30 को हमने पांचवी भिन्न को यहाँ पर निकाला है। इसी तरह बच्चों हम आगे और भिन्नों को भी निकाल सकते हैं। प्रश्नावली 7.4 से संबंधित मुख्य बिंदुओं की हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली को हल करने के लिए हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जुड़े रहिए टॉपर्स टॉप के।